हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। ठीक है, अभी टाइपिंग का भी पेपर हो चुका है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और साथ ही साथ कंप्यूटर से रिलेटेड जो डाउट हैं कि क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कैसा टीयर टू में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, किस तरीके से किया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो आपकी क्वेरीज हैं एग्जाम से रिलेटेड वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले तो टाइपिंग का टेस्ट है वो आपका जैसे एसएससी हर बार कराता है वैसे ही कंडक्ट कराया गया। सबसे पहले आपको 10 मिनट का क्या दिया गया, मॉक दिया गया। उसके बाद आपको 3 मिनट का ब्रेक दिया गया। उसके बाद आपका एक्चुअल टेस्ट स्टार्ट हुआ जो कि 15 मिनट का था, और उसके बाद आपका 3 मिनट का वेरिफिकेशन होता है जिसमें आपको अपना मदर्स नेम फिल करना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका पूरा का पूरा टेस्ट हुआ, 15 मिनट जो दिए गए थे। सिंगल पैराग्राफ आया था, मल्टीपल पैराग्राफ नहीं थे, तो आपको एंटर टैब वगैरह दबाने की जरूरत नहीं थी। सिंपल से जैसे टेक्स्ट आया आपको उस हिसाब से लिखना था। वहाँ पे पैसेज मुश्किल नहीं था, ठीक है, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स भी नहीं थे, एक आधा हो तो बात अलग है, वरना स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं थे आपके पास। अगर मैं बात करूं, नंबर्स एक दो जगह आपको डालने को मिले होंगे तो वो आपने ऑटोमेटिकली फिल कर दिया होगा। तो ओवरऑल सिंपल ही टाइपिंग का टेस्ट था। काफ़ी लोगों का ये भी है कि सर 1800 की डिप्रेशन करें, क्या मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, या किसी भी पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं रहूंगा, या कौन सी पोस्ट होंगी जिनके लिए क्वालिफाई करूंगा। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मैं कवर कर लूँगा, और नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड भी सारी बातें हम कर लेंगे। तो पहले टाइपिंग की ही बात करते हैं, फिर कंप्यूटर की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टाइपिंग की, तो आपके टाइपिंग टेस्ट सबसे पहले तो आपका जो मैथ्स इंग्लिश जीके रीजनिंग वाला सेक्शन है, वो दोनों सेक्शंस अगर आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका कंप्यूटर भी और तभी आपका ये टाइपिंग टेस्ट भी वैलिड होगा, उससे पहले वैलिड नहीं होगा। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ जो यहाँ पे परसेंटेज एरर अलाउड है वो है अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से 20%, ओबीसी ईडब्ल्यू कैटेगरी के हिसाब से 25%, और अदर कैटेगरीज के हिसाब से 30%। ठीक, तो जैसे होता है, मान लो आपने 1800 की डिप्रेशन करे, ठीक है, तो 1800 की डिप्रेशन में आपके कितने की डिप्रेशन रह गए, तो आप देखेंगे आपके यहाँ पे दो लगभग 200 की डिप्रेशन रह गए, और ये 200 के 200 जो की डिप्रेशन है ये आपके फुल मिस्टेक्स की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, और उसी हिसाब से आपका परसेंटेज एरर निकाला जाएगा। अगर मैं इन्हें फुल मिस्टेक्स देख के चलता हूँ, अगर आपके 200 की डिप्रेशन रह जाते हैं, तो मेरे हिसाब से ये लगभग 10% के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो 10% का एरर हो जाएगा, 2000 की डिप्रेशन में से आपने 200 नहीं करे हैं, तो आपका 10% का एरर हो जाएगा। उसके बाद भी उन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हो 1800 की डिप्रेशन पे भी अनरिजर्व कैटेगरी से, जिसके अंदर आपका डीएसटी या सीपीटी नहीं होता, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट की रिक्वायरमेंट पहले नहीं होती थी, या फिर जिसके अंदर पहले आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता था, उन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है, और बाकी जो डीएसटी और सीपीटी वाली सारी की सारी पोस्ट है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये है सीपीटी पोस्ट, ये है हमारी डीएसटी पोस्ट। ठीक है, तो इन सब के लिए जो स्टैंडर्ड होगा वो हायर होगा जो अभी बताया उसे। इसके अलावा जैसे आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट हो गई, या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट हो गई, उनके लिए तो आपने इतना भी कर दिया बिल्कुल सही एक्यूरेसी के साथ, 1800 कर दिए या 1700 के आसपास करें, बिल्कुल 100% आपकी एक्यूरेसी सही है, तो भी आप क्या करोगे, आप क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन इन पोस्ट के लिए जो कट ऑफ जाएगी टाइपिंग की, वो थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। और पिछले साल का जो ट्रेंड है, अगर मैं वो दिखाऊँ आपको, तो जो कट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी से 5% का एरर अलाउड होता है, और बाकी कैटेगरीज के इतना इतना परसेंटेज एरर अलाउड होता है। और जो आप देखेंगे जो भी आपकी लोएस्ट कट ऑफ वाली पोस्ट हैं, जैसे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट हो गया, जिसकी मिनिमम जाएगी टैक्स असिस्टेंट हो गया, उनके लिए डीएसटी एंड सीपीटी मैंडेटरी, मतलब उनके लिए डीएसटी मैंडेटरी होता था, डीएसटी मैंडेटरी है, तो उनके जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स होंगे टाइपिंग के वो लगभग ऐसे रहेंगे। ठीक है, तो आपको वहाँ पे पूरा पूरा टाइप करना है। टाइपिंग का जो पैसेज आया उसमें 1993, 1996 ऐसे कुछ की डिप्रेशन बता रहे हैं, तो ये देखो हर शिफ्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, तो ये जनरली आपका 2000 से प्लस माइनस 20 के अंदर हमेशा रहेंगे। अगर इसके आसपास आपके की डिप्रेशन हो गए हैं तो कोई भी टेंशन वाला काम नहीं है, अपने अच्छे तरीके से टाइपिंग देनी है, एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए। 15 मिनट के अंदर आपको सिर्फ इतना करना है, बाकी सारी चीज़ें तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये हो गया हमारा टाइपिंग के बाद, ये तब इवेल्यूएट किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट आपका जब आप मैथ्स इंग्लिश जीके रीजनिंग वाले दोनों सेक्शंस को क्वालिफाई करेंगे। मैं एक बार दोबारा से आपको कट ऑफ के नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से किया जाएगा। देखो, एसएससी ने लिखा था मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टीयर वन में, सेक्शन वन में, सेक्शन टू में, और मॉड्यूल वन ऑफ सेक्शन थ्री ऑफ पेपर वन ऑफ टीयर टू, इनमें इतने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, मतलब इतने तो मिनिमम लाने ही लाने, इससे कम लाएंगे तो आप वैसे ही फेल होने हो। ठीक,
सेट टीयर वन में आपको पता है नॉर्मलाइजेशन हुआ था, ठीक है, जब भी ऑब्जेक्टिव पेपर होता है नॉर्मलाइजेशन होता है। जब सेक्शन वन के अलग से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तो सेक्शन वन का मेरे हिसाब से नॉर्मलाइजेशन भी अलग से होगा। तो चारों शिफ्ट में जो पेपर कराया जाएगा आपका, चारों शिफ्ट में सेक्शन वन का नॉर्मलाइजेशन अलग होगा, सेक्शन टू में नॉर्मलाइजेशन आपका अलग होगा इंग्लिश और जीके वाले पेपर में, साथ ही साथ मॉड्यूल वन ऑफ सेक्शन थ्री ऑफ पेपर वन डेट इज ये कंप्यूटर, ये आपका है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के अंदर भी आपका अलग से नॉर्मलाइजेशन कराया जाएगा। अगर अलग से नहीं कराते कंप्यूटर के अंदर नॉर्मलाइजेशन, तो किस हिसाब से आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को डिसाइड करेंगे, क्योंकि अलग शिफ्ट में पेपर है तो लास्ट में जो बच्चे पेपर दे रहे होंगे कंप्यूटर को एडवांटेज मिल जाएगा, उन्हें आइडिया रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से वो अपने आपको प्रिपेयर करेंगे। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो जिनका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है और बाई चांस उनके कुछ क्वेश्चन रह भी गए, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में एडवांटेज मिल सकता है और आप फिर भी कंप्यूटर वाले सेक्शन को क्वालिफाई कर सकते हो, ये चीज़ आप समझ के चले, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आपका 60 नंबर का पेपर है, ठीक है, 60 नंबर का पेपर है, कितने क्वेश्चंस हैं आपके, 20 क्वेश्चंस हैं, तो अगर 30% की बात करूँ अनरिजर्व कैटेगरी से आपको मिनिमम 18 मार्क्स चाहिए, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आपको मिनिमम 6 क्वेश्चंस सही करने हैं, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 25% है, तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे आपको 15 नंबर मिनिमम लाने हैं और आपको 5 क्वेश्चंस मिनिमम सही करने हैं, ठीक है। और अदर कैटेगरीज का 20% है, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस और यहाँ पे आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे 12 नंबर, ठीक। तो कोई भी मुश्किल आपको नहीं आएगा, एस सी एस टी कैटेगरी से हो आप, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो, एक्स सर्विसमैन से हो, तो कंप्यूटर के आपको 20 में से 4 क्वेश्चंस भी आप सही करेंगे, तो आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, आप नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। मैं एक बार दोबारा आपको नॉन सीपीटी और सीपीटी में बता देता हूँ, अभी मैंने दोनों दिखाई थी। सीपीटी पोस्ट हमारी ये है, ठीक है, तो इसमें आपका पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, जिसकी सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाएगी वो सीपीटी पोस्ट के अंदर आपका आता है। इसके अलावा ये सारी की सारी पोस्ट आपकी सीपीटी के अंदर आती है। इनकी कट ऑफ क्या होगी, इनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी, जो ये कट ऑफ है बाकी सभी पोस्ट के लिए, तो मिनिमम कंप्यूटर में आपको इतने नंबर लाने हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नंबर आपके आ गए तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, और वो मार्क्स भी कौन से होंगे, वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होंगे, ठीक है। तो हो सकता है आज की शिफ्ट में कोई पर्सन ऐसा हो जिसके 5 ही कंप्यूटर के सही हो और अनरिजर्व कैटेगरी से हो सकता है उसे नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिले और नॉर्मलाइजेशन के बाद वो इसे क्वालिफाई कर जाए, तो वो इन पोस्ट के तो लिए एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा। इन सभी पोस्ट का जो कट ऑफ हो सकता है वो थोड़ा सा हायर रहेगा, ठीक है। एसएससी डिसाइड करेगा कि क्या कट ऑफ जाएगी, और ये भी एसएससी ऐसा नहीं डिसाइड करेगा कि सभी बच्चों का डेटा देख लिया उसके हिसाब से डिसाइड करेगा। सबसे पहले एसएससी क्या करेगा, सेक्शन वन और सेक्शन टू की कट ऑफ डिसाइड करेगा, टीयर टू की क्या होगा, पहले सेक्शन वन और सेक्शन टू, ये आपका ये है, इनकी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी कि इनकी कंबाइंड करके क्या कट ऑफ बनेगी, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे इसकी कट ऑफ को क्लियर करेंगे उनका कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट इवेल्युएट किया जाएगा, तो बहुत लिमिटेड लोग होंगे जिनका कंप्यूटर टेस्ट और ये टाइपिंग टेस्ट इवेल्युएट होगा। उसके बेसिस पे जब ये दोनों क्वालिफाई करेंगे, तो एक तो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं कंप्यूटर को क्वालिफाई करने के, और बाकी सीपीटी के लिए एक अलग से कट ऑफ निकाली जाएगी सीपीटी पोस्ट के लिए कंप्यूटर की, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एसएससी नहीं रखेगा और कंप्यूटर में इतना ज़्यादा लोग स्कोर भी नहीं कर रहे होंगे क्योंकि पहली बार आया, ज़्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं है। तो ये हमारे पास जो कट ऑफ होगी मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से अनरिजर्व कैटेगरी की, ये 50% से ज्यादा नहीं रखेंगे, मैक्स टू मैक्स क्योंकि क्वालिफाइंग इन नेचर है, अनरिजर्व कैटेगरी की मैक्स टू मैक्स 50% और बाकी ओबी 50 या लास्ट ईयर की अगर सीपीटी की कट ऑफ देखूँ तो वो 60% रहती थी। तो अपर लिमिट तो ये है, अपर लिमिट अगर मैं कहूँ तो ये है, लेकिन 60 भी नहीं होगी, ये मेरे हिसाब से 40% या 50% के बीच में कहीं रख सकते हैं, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी अनरिजर्व अदर कैटेगरी वो इसी हिसाब से इसमें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है। तो हो सकता है अगर यूआर की 60 रखी तो ओबीसी की 45% समथिंग और एससी एसटी की आपकी 40 या 35% के समथिंग रखें फॉर सीपीटी पोस्ट, अगर यूआर की 50 रखे तो वो 40 और 30 ऐसा कुछ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बाद में डिसाइड होगा। जो लोग अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और कंप्यूटर का पेपर दे के आ रहे हैं, ठीक है, मैं उन्हें ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 10 क्वेश्चन श्योर हो कि सही हैं आपके, तो उससे आगे के क्वेश्चन में तुक्का लगाना अवॉइड करना, क्योंकि क्वालिफाइंग इन नेचर है, ऐसा ना हो कि आपने तुक्का लगाया और उसकी वजह से आपको कि सब कुछ सही जा रहा था, आपने दो तुक्के के लगा दिए डाउटफुल केस में और दोनों के दोनों आपके गलत हो गए और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर 10 प्लस आपके अनरिजर्व कैटेगरी से सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल भी तुक्का ना लगाएं, ठीक है, तब भी आप सीपीटी पोस्ट के लिए मेरे हिसाब से एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है।
कुछ चीज़ें कंप्यूटर में जो नई पूछी जा रही हैं, अगर आपको लगता है तो आप अलग अलग सोर्सेज से ट्राई कर सकते हैं। बाकी हमने जो ई बुक बनाई है, अगर आप वो अच्छे तरीके से कर लेंगे तो मिनिमम 10 तो आप सोल्व कर ही लेंगे। मेरे हिसाब से तो आप सीपीटी आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं उस पूरी बुक को पढ़ने के बाद, अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, उसे एक दो बार रिवाइज करा है। बट स्टिल इफ़ यू फाइंड समथिंग कि कुछ नया पूछ रहे हैं एग्जामिनेशन में और उसमें कवर नहीं है, तो आप गूगल पर सर्च करके वो फटाफट से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आपका काम उससे अच्छे तरीके से अगर आपने वो पढ़ रखा उसे रिवाइज करो, आराम से आप जा सकते हैं। और ये मैंने बताया कि किस तरीके से स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाएंगे। चलें आगे, और नॉर्मलाइजेशन में आपको ऑलरेडी पता है कि मार्क्स जनरली मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, आपके बढ़ते ही हैं। बहुत ही रेयर चांस होता है, बहुत ही ईजी शिफ्ट कोई होती है तो मार्क्स घटते हैं। तो ओवरऑल जिनका कंप्यूटर फर्स्ट शिफ्ट में पड़ा है, जिस तरह से उन्होंने पेपर को बताया है कि थोड़ा ऐसा पूछा गया, तो उस केस में आपके शिफ्ट वन के अंदर कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, आप में से मैक्सिमम लोग उसे क्वालिफाई कर जाएंगे, जिनके 18 से कम नंबर बने तब भी। ठीक, और यही था बाकी सारी की सारी चीज़ें। मैं ओमिशन वाला आपको बता रहा था तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका हूँ यहाँ पे, कि जो एरर इवैल्यूएशन होता है टाइपिंग के अंदर वो कुछ इस तरीके से होता है। तो फुल मिस्टेक में ओमिशन, जो लास्ट के अगर वर्ड छूट गए तो वो ओमिशन की तरह ट्रीट किए जाएंगे, तो वो आपकी फुल मिस्टेक कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो जितने भी करेक्टर्स आपने स्किप करे एक तरीके से, उतना एरर आपका बनता चला जाएगा टोटल में से। ठीक है, अब दो चीज़ के लिए मैं थोड़ा अनश्योर हूँ, वो टोटल 2000 में से देखेंगे या फिर जितने आपने टाइप करे उसमें से देखेंगे। मेरे हिसाब से 2000 में से देखना चाहिए, परसेंटेज एरर निकालते टाइम, या फिर अगर आपने जितना टाइप किया उससे देखने का वैसे कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक, तो 2000 में से ही उन्हें देखना चाहिए परसेंटेज कितनी गलतियां हैं। बाकी हाफ मिस्टेक्स ये सब तो पहले हम देख ही चुके हैं। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।